बदलने से। कर्म बदलेंगे तो समय भी अपने आप बदलेगा, कर्म अच्छे होंगे तो भविष्य भी अपने आप अच्छा होगा। इसलिए यहां तहां जाकर के भटकते रहते हैं, गलत चीजों को अपनाते रहते हैं, ये सब अंधविश्वासों से दूर रहें, धर्म के रास्ते पर चलें, पर अंधविश्वास के रास्ते पर न चलें। दूसरी चीज धर्म के बारे में कही गई, धर्मस्य ह्याय पवर्गस्य नार्थोर्था योपकल्पते नार्थस्य धर्म कांतस्य कामो लाभाय हि समृतय। धर्म और अर्थ ये जीवन के दो अहम हिस्से हैं। एक ग्रस्त धर्म के लिए दो चीजें, धर्म भी जरूरी है अर्थ भी जरूरी है, अगर आप ग्रस्त में जीते हैं तो। लेकिन दोनों की मात्रा कितनी होनी चाहिए वो आपको निर्धारित करना होगा। धर्म कहाँ उपयोग करना है, अर्थ कहाँ उपयोग करना है, वो आपको निर्धारित करना होगा। आज हमने जहां धर्म को उपयोग करना था वहां अर्थ को रख दिया है। अर्थ माने, अर्थ किसको कहते हैं, पैसा, संपत्ति, धन दौलत आदि। और जहां अर्थ को रखना चाहिए था वहां धर्म को रख दिया है। धर्म भीतर की वस्तु है, दिखावे की वस्तु नहीं, बाहर की चीज नहीं है। अर्थ बाहर जीवन जीने के लिए जरूरी है, लेकिन हमने दोनों को उल्टा कर दिया। धर्म को दिखावे की वस्तु बना दिया और अर्थ जो है माने जो धन है उसको अपने जीवन में, अपने चित्त में, अपने मन में घर बना लिया। दोनों को उलट पुलट कर दिया। इसी कारण आज लोग आपको धार्मिक बहुत दिखते होंगे। आज से पहले इतनी 10 15 20 साल पहले वृंदावन में इतनी भीड़ नहीं होती थी जितनी आज होती है। बेचारे बिहारी जी के मंदिर वाले माथा पकड़ के बैठे, कहां से संभाले भीड़ को, इतने लोग। और केवल वृंदावन की बात नहीं, कहीं दुनिया के किसी तीर्थ में चले जाए, भीड़ घटी नहीं है, भीड़ बढ़ी है। इसका मतलब धर्म बढ़ा है, धर्म घटा नहीं है। लेकिन उनमें ज्यादा जो मात्रा है वो उन लोगों की है जो धर्म को बाहर की वस्तु समझने लगे। जैसे कोई बिना पढ़ा लिखा आदमी डॉक्टर के पास गया, उसको खुजली की बीमारी थी, तो डॉक्टर ने उसको 2 शीशी 2 बोतल दी दवाई की। एक दवाई थी जिसको उसको पीना था और एक दवाई थी जो जिस पे लिखा होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। तो उसको दोनों दवाई दी कि भैया इसको पी लेना 2 ढक्कन और इसको बाहर जहाँ तुमको खुजली वहाँ लगा लेना। घर ले आया, पढ़ा लिखा था नहीं, थोड़ा सा भोला सा था, तो दवाई देखा, दोनों की बोतल एकदम सेम थी, रंग भी सेम था, दिखने में भी एकदम एक जैसी लगती थी। तो क्या किया, जो पीने वाली जो दवाई थी उसको अपने रोग पर, खुजली पर लगा रहा है और जो बाहर लगाने वाली दवाई है उसको पी रहा है। तो क्या रोग ठीक हो जाएगा ऐसा करने से, क्या रोग ठीक हो सकता है? हाँ ना तो बोल दो। रोग ठीक की तो बात छोड़ दो, उल्टा कोई रिएक्शन हो गया तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। अर्थ अंदर की वस्तु थी उसको बाहर लगा लिया, यानी अर्थ बाहर की वस्तु थी उसको भीतर माने धन को भीतर घुसा लिया, और धर्म जो भीतर की वस्तु थी उसे दिखावे की वस्तु बना दी। रोग तो ठीक नहीं होगा, उल्टा रिएक्शन का डर है, कुछ भी हो सकता। इसलिए धर्म जो है वो दिखावे का नहीं है, धर्म भीतर होना चाहिए, अध्यात्म भीतर होना चाहिए। अब इस विषय पे बहुत सारे लोग बोल देंगे, हाँ हाँ हम भी तो यही कहते हैं कि भीतर वाली चीज होनी चाहिए, दिखावे की नहीं। ये जो तुम लगाते हो ना माथे पे और ये कंटी, ये सब बस दिखावे वाली चीज है। धर्म तो भीतर होना चाहिए, अध्यात्म तो भीतर होना चाहिए। कभी ये जो रोड पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, आपने देखा है कोई एक नॉर्मल आदमी अगर खड़ा होकर के तुमसे कहो गाड़ी रोक दे तो तुम उसको 100 गालियां सुना दोगे। अच्छा तू हमको सिखाएगा कहाँ रोके कब चलाएं? वही अगर ट्रैफिक ड्रेस में खड़ा होके ट्रैफिक पुलिस की
वर्दी पहन करके कोई आदमी तुमसे कहे कि रुक जाओ, तो डर के मारे तुमको वहाँ रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी वेशभूषा की डिसिप्लिन है, उस वेशभूषा की ताकत है। वैसे ही अगर कोई माथे पे चंदन लगा के घूम रहा है तो ये उसका दिखावा नहीं है, बल्कि ये उसकी भक्त होने की एक वेशभूषा है। ये इस बात का सूचक है कि ये व्यक्ति भगवान के मार्ग पर चल रहा है। और उस वेशभूषा को देख करके, जैसे आप अपनी गाड़ी रोक देंगे कि भैया पुलिस वाला है, बेकार में लेने देने पड़ेंगे, वैसे ही किसी के माथे पर चंदन हो, गले में माला हो, तो ये जितने भी पाप घूमते हैं ना सबको पकड़ने के लिए, इसको पकड़ें इसको पकड़ें, वो पाप भी देख करके एकदम दूर खड़े हो जाएंगे कि नहीं, इसको नहीं छूना, इसको नहीं स्पर्श करना, इसको छूने की ताकत हम में नहीं है, दूर खड़े होकर के पाप भी हाथ झुका के प्रणाम करेंगे।